गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अजय स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल विजुअल क्लासिक यूट्यूब चैनल पे। उस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं आज के 1 अप्रैल की करंट वीडियो को। तो फटाफट वीडियो को आगे बढ़ने से पहले लाइक और शेयर कर दें। नए हैं चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन है वो प्रेस जरूर कर दें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, किसी वीडियो को आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज के 740 नंबर करंट वीडियो को क्वेश्चन एक के साथ। क्वेश्चन एक है, विच प्लेयर हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द कैप्टन ऑफ द टीम बाई दिल्ली कैपिटल। जो दिल्ली कैपिटल है उसने हाल ही में IPL के अंदर की जो टीम है IPL टीम दिल्ली कैपिटल, उसने किस खिलाड़ी को टीम का कप्तान मनाया है। तो किसे मनाया, वो मनाया ऋषभ पंत को। भारतीय टीम के दिग्गज बल्लेबाज हैं, युवा बल्लेबाज ऋषभ पंत, उनको कप्तान नियुक्त किया दिल्ली कैपिटल्स ने। और ऋषभ पंत चोटिल श्रेयस अय्यर की जगह लेंगे, जो कंधे में चोट के कारण क्या इस T20 लीग से क्या बाहर हो गए हैं। बतौर कप्तान ऋषभ पंत पहली बार IPL में उतरेंगे और उन्होंने इससे पहले घरेलू क्रिकेट में दिल्ली की कप्तानी की है। पंत साल 2017 के अंदर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली के कप्तान थे और IPL के अंदर जो है ये पहली बार उनका टूर्नामेंट होगा जिसमें वो कप्तानी करते नजर आएंगे दिल्ली के लिए। क्वेश्चन देखते हैं रिवीजन के अंदर। पहला, फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में जो बेस्ट अभिनेता का अवार्ड है वो किसे दिया गया, तो वह है दिवंगत इरफान खान को। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 है उसमें अभिनेत्री का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है वो किसे दिया गया, तो वह है तापसी पन्नू को। रक्षा अनुदान विकास संगठन यानी DRDO ने किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, तो वह मिशन शक्ति मिसाइल का। किस मशहूर फिल्म मेकर का 79 ईयर की एज के अंदर जो है निधन हो गया, तो वह अनिल दारकर, लेखक और जो है फिल्म मेकर थे। RBI ने किस पूर्व डिप्टी गवर्नर का दिल का दौरा पड़ने से 68 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया, तो वह KC चक्रवर्ती का। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र जो सहकारी बैंक है उस पे निकासी और जमा जो प्रतिबंध है उनको किस तारीख तक के लिए बढ़ा दिया, तो वह 30 जून तक उनको जो है बढ़ा दिया गया आगे तक। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्ल्ड बैंक हैज़ एस्टिमेटेड इंडिया ग्रोथ रेट टू बी बिटवीन 7.5% एंड व्हाट परसेंटेज इन द फाइनेंशियल ईयर 2021-22। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2021-22 में भारत की ग्रोथ रेट है वो 7.5% से कितने प्रतिशत बीच रहने का अनुमान लगाया, तो है 12.5 के बीच, 7.5 से 12.5 के बीच रहने का अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने। जो है साउथ एशिया के वैसीनेट्स नाम की अपनी रिपोर्ट है उसमें यह अनुमान जताया है। IMF ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से सुधार के रास्ते पर है, हालांकि कोरोना संक्रमण से फिर से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए लागू होने वाला लॉकडाउन से सुधार को झटका भी लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच फेमस मराठी राइटर हैज़ गॉट द सरस्वती सम्मान 2020। किस मशहूर मराठी लेखक को सरस्वती सम्मान 2020 मिला है, तो किसे मिला है, वो है शरण कुमार लिम्बाली को। लिम्बाली को यह सम्मान KK बिरला फाउंडेशन की ओर से दिया गया। फाउंडेशन ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि चयन प्रसिद्ध ने डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाली के मराठी उपन्यास सनातन को 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना है। भारतीय भाषाओं में किसी एक लेखक को 15 लाख रुपये की यह सम्मान KK बिरला फाउंडेशन हर साल देता है। क्वेश्चन नंबर 4, द फाउंडेशन डे ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड ऑन 30 मार्च। 30 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, तो किसका मनाया जाता है, वो मनाया जाता है राजस्थान का। राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष के तीसरे महीने यानी 30 तारीख को मार्च के अंदर जो है राजस्थान स्थापना दिवस मनाता है। 30 मार्च 1949 के अंदर जो है जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर रियासतों का विलय होकर वरत राजस्थान संघ बना था और यही राजस्थान की स्थापना का दिन माना जाता है। राजस्थान को मरुभूमि भी कहा जाता है। राजस्थान को क्या मरुभूमि भी कहा जाता है। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप आदर मानसूनी जलवायु और प्राचीन समय में राजस्थान में क्षेत्रीय राजपूत
वंश के राजाओं का क्या शासन हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 5, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज प्रोपोस्ड व्हाट परसेंटेज ऑफ टैक्स रिबेट ऑन सबमिशन ऑफ स्क्रब सर्टिफिकेट ऑफ ओल्ड व्हीकल बिफोर द परचेज ऑफ न्यू व्हीकल्स। केंद्र सरकार ने नए वाहनों को खरीद से पहले पुराने वाहनों के स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा कराने पर कितने प्रतिशत जो है कर छूट का प्रावधान किया था, कितने प्रतिशत का, तो वह कर के अंदर जो है 25% का जो है छूट करेंगी केंद्र सरकार। ये नियम लागू किया है नए वाहन खरीदने से पहले जो पुराने स्क्रैप सर्टिफिकेट है वो जमा कराने पर क्या है 25% कर के अंदर जो है छूट मिलने का प्रस्ताव रखा है। नियमों के प्रारूप में कहा गया है कि लोगों को वाहन स्क्रैप सर्टिफिकेट के साथ व्यक्तिगत वाहनों की खरीद पर 25% रियायत मिलेगी, जबकि वाणिज्यिक वाहनों की खरीद पर 15% होगी। व्यक्तिगत वाहनों में कर रियायतें 8 साल तक ली जा सकती हैं, जबकि वाणिज्यिक वाहनों के लिए अवधि 15 वर्ष तक होगी। इस अवधि की जो है गणना पहले पंजीकरण की तारीख से की जाएगी। देखते हैं आज का सवाल क्या, आज का सवाल और जिसका आपको राइट आंसर देना है नीचे कमेंट के द्वारा, सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम दिए जाएंगे अगले वीडियो के अंदर। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मर विकेट कीपर हैज़ बीन अपॉइंट बाय द IPL टीम दिल्ली कैपिटल्स एज इट्स असिस्टेंट कोच। IPL टीम कैपिटल ने निम्न में से किस पूर्व विकेट कीपर को अपना सहायक कोच नियुक्त किया है, तो किसको जो किया है वो आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने की पार्थिक पटेल, अजय रात्रा, दीप दास गुप्ता या विजय दैया। तो फटाफट अपने आंसर दें नीचे कमेंट के द्वारा, सही आंसर देने वाले जो हमारे विजेता रहेंगे उन सभी विजेताओं के नाम दिए जाएंगे अगली वीडियो के अंदर। तो फटाफट अपने आंसर देंगे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज रिसेंटली इनोग्रेटर सईद असाफ उल्ला खान जू गोरखपुर जू इन विच सिटी। तो जो है योगी आदित्यनाथ है मुख्यमंत्री जो यूपी के, उन्होंने किस शहर के अंदर सईद असाफ उल खां चिड़ियाघर है उसका उद्घाटन किया था, किसके अंदर किया है वो क्या है गोरखपुर के अंदर, कहाँ पे किया है गोरखपुर। इसके अंदर जो है आंसर है क्वेश्चन के अंदर ही दिया हुआ है, कहाँ पे है राइट आंसर इसका गोरखपुर, गोरखपुर के जो अंदर है इस जू का जो है उद्घाटन किया है CM योगी आदित्यनाथ ने। और ये राज्य के पूर्वांचल क्षेत्र में पहला और सबसे बड़ा और उत्तर प्रदेश में तीसरा सबसे बड़ा चिड़ियाघर है, और इस परियोजना की परिकल्पना लगभग 1 दशक पूर्व यानी 2011 मई में की गई थी। ज्ञात हो कि इस चिड़ियाघर का नाम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी असाफ उल्ला खान के नाम पर रखा गया है। क्वेश्चन नंबर सात है, रिसेंटली वर्ज प्रहार एक्सरसाइज वाज ऑर्गेनाइज इन हिमाचल प्रदेश बिटवीन स्पेशल फोर्स ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। भारत और किस देश की जो विशेष बलों की बीच है हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश के अंदर वर्ज प्रहार अभ्यास है आयोजन के अंदर किन के मध्य किया गया था, भारत और अमेरिका के मध्य। राइट आंसर इसके अंदर क्या होगा बी, भारत और अमेरिका के मध्य, भारत और जो अमेरिका के बल हैं उनके बीच ये अभ्यास हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के बकलोहे में आयोजित किया गया था। और इस अभ्यास का आयोजन बारी बारी से अमेरिका और भारत में किया जाता है, और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बलों के बीच जो है इंटरऑपरेटिबिलिटी है उसको बढ़ावा देना है। देखते हैं मोटिवेशन लाइन क्या है, बेस्ट मोटिवेशनल लाइन इस वीडियो में आपके लिए, कि सांसों में जीत का जश्न हो, कि सांसों में जीत का नशा हो, तो हालात क्या मायने रखते हैं। अगर आपके जो है नस नस और आपकी सांसों के अंदर जो है जीत का नशा होगा तो क्या है कोई भी हालात हो वो आपके लिए मायने नहीं रखता, आप जीत हासिल अवश्य करेंगे। देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन और सही आंसर देने वाले विजेताओं के नाम। क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी आयुष्मान कार्ड्स हैव बीन इश्यूड टिल मार्च 25 अंडर द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आयुष्मान जो भारत प्रधानमंत्री जन
आरोग्य योजना है उसके अंदर 25 मार्च तक कितने आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं, तो कितने 10 करोड़। और जो 10 करोड़वां जो कार्ड है वो किया गया है जारी, वह बिहार के अंदर एक 25 वर्षीय युवक को जारी किया गया है। और सही आंसर दिया उन विजेताओं में नाम है सीमू लोहदी, AK25, आदर्श कुमार और रोहित कश्यप जी। आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामना। उम्मीद करेंगे वीडियो आप सभी को पसंद आया, तो फटाफट लाइक और शेयर कर दें। नए हैं चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इस प्रकार से जो सब्सक्राइब का नीचे बटन है उसको प्रेस कर देंगे, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देंगे, ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।